बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को भाव नहीं दे रही हो, लेकिन चंद्रशेखर हैं कि उनका मायावती से मोह भंग ही नहीं हो रहा। बीएसपी सुप्रीमो के तमाम हमलों के बावजूद चंद्रशेखर बीएसपी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मायावती बुआ के साथ ही गठबंधन क्यों चाहते हैं चंद्रशेखर? क्या बीएसपी के साथ ही अपना भविष्य देखते हैं चंद्रशेखर? असल में उत्तर प्रदेश में दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटों का एक ऐसा समीकरण है जो सत्ता में उलटफेर का मादा रखता है। वैसे तो मुस्लिम वोटर इस बार कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों ही इन पर दावा कर रही हैं, लेकिन दलित और ओबीसी को मायावती का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि बीजेपी कुछ हद तक इसमें सेंध लगाने में कामयाब हुई है, बावजूद इसके इस वोट बैंक में मायावती का अपना प्रभाव है। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी दलित वोटों पर दावेदारी करती है। असल में चंद्रशेखर खुद को भीमराव अंबेडकर और काशीराम के अनुयायी कहते हैं। 2017 में सहारनपुर के शबीरपुर में हुई दलित ठाकुर जातीय हिंसा में आरोपी बनाए जाने के बाद पहली बार उनका नाम मीडिया की सुर्खियों में आया था। दलितों और वंचितों के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन भीम आर्मी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% है। काशीराम दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बहुजन कहते थे और इनके जीवन में बदलाव के लिए वो मूवमेंट चलाना चाहते थे। बीएसपी बनाकर वो यूपी की सत्ता तक पहुँच भी गए और दलित मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। यूपी के दलितों के बीच काशीराम ने जनाधार बनाया और बीएसपी दलितों की पार्टी कही जाने लगी। हालांकि मायावती ने आगे चलकर दलितों की राजनीति की लाइन से वो हट गई और सवर्णों में खासकर ब्राह्मण वोट के लिए बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय का नारा दिया। मायावती के नेतृत्व में बीएसपी का जनाधार दलितों में कम हुआ, फिर भी बीएसपी की पहचान दलितों की पार्टी के तौर पर ही है। चंद्रशेखर बीएसपी को मायावती की नहीं बल्कि काशीराम की पार्टी कहते हैं। ऐसे में दलित राजनीति के जरिए सत्ता तक पहुंचने वाली बीएसपी के साथ मिलकर काम करने में चंद्रशेखर अपना भविष्य देखते हैं। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए दलित चेहरे के तौर पर भले ही अपनी पहचान बनाई हो, लेकिन अभी तक उनका कोई राजनीतिक कद नहीं बन पाया है। दलितों की राजनीति करने की वजह से ही बीएसपी उनकी पहली पसंद है। इंडिया न्यूज़, वारल की रिपोर्ट।